हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीव विद कमल में, जहाँ पे मैं आपके साथ स्टिचिंग ट्यूटोरियल शेयर करती हूँ। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ धोती सलवार का कटिंग एंड स्टिचिंग फुल ट्यूटोरियल, जिसे आप पार्टी वेयर कपड़ों के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं और ये बहुत ही ट्रेंड में है। तो सबसे पहले मेरी वीडियोज को लाइक, कमेंट, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका मेजरमेंट मैंने स्क्रीन पर शेयर कर दिया है। तो हम शुरू करते हैं इसकी कटिंग। तो सबसे पहले मैंने जो फैब्रिक 2.5 मीटर लिया है, इसे मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है। तो इसे हम मैंने एक लेंथ वाइज फोल्ड किया है और एक मैंने इसके दोनों एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर की तरफ ले जाके तिरछा फोल्ड किया है, जैसे हम सर्कुलर प्लाजो कटिंग करते टाइम करते हैं, जिसे हम समोसा कटिंग भी कहते हैं। तो इसी तरह से हमें एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक इसे फोल्ड कर लेना है। तो इसे आज मैं आपको पूरा कंप्लीट बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो इसी तरह से हमें फैब्रिक को सेट कर लेना है अच्छे से। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया था, मैं 34 इसका मार्क लगाऊंगी, कटिंग का मार्क मैंने लगाया है क्योंकि मैं 35 इंचेस इसे रेडी कर रही हूँ और इसकी 34 कटिंग करने के बाद जब हम सिलाई लगाएंगे तो ये 33 रेडी हो जाएगा। तो हम इसमें 2 इंच की हमारी रेडी बेल्ट लगाएंगे, जिससे इसकी लेंथ 35 हो जाएगी। तो आप इसी तरह जितनी आपको बेल्ट रखनी है उसके अकॉर्डिंग कट करें। तो सबसे पहले मैंने 34 इंचेस की लेंथ का मार्क किया है और अब हम क्रोचेरी का मार्क लगाएंगे, जो मैंने 10.5 इंचेस पे लगाया है। और इसकी मैंने विड्थ जो रखी है 2 इंचेस की रखी है मैंने, जो हम इसकी शेप देंगे। तो मैंने दोनों चारों पीसेस की 2 इंच की विड्थ रखी है और इसी तरह से हमें इसकी शेप दे देनी है। तो ये सबसे सिंपल कटिंग है, इसकी बहुत ही आसानी से बन जाती है ये धोती सलवार। तो हमें एक सिरा हमें जहाँ पे हमारी आसन आ रहा है वहाँ रखना है और एक बिल्कुल टॉप पे रखना है और इसी तरह से इसे प्लेस करते हुए हमें चौक से निशान लगा लेने हैं। ये हमारे कटिंग वाले निशान लग रहे हैं अभी। और अब हम इसकी मूरी रखेंगे, जो मैंने इसकी मूरी रेडी रखनी है वो मैं 6 इंचेस रख रही हूँ। तो हमें इसी तरह एक साइड पे 6 इंचेस पे मार्क लगा देना है, ये हमें खुला ही छोड़ना है। यहाँ पे हम नीचे जितना हमने मार्क लगाया वहां तक सिलाई नहीं लगाएंगे, इसके ऊपर से हमें आसन तक सिलाई लगा के इसे अटैच करेंगे सिलाई लगाते टाइम। तो हमें इतना 6 इंचेस वाले मार्क तक नहीं सिलना है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, हमने जो आसन के मार्क लगाए थे और जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसके अकॉर्डिंग हमें इसे कट कर लेना है। और जो ऊपर हमारा कपड़ा बचेगा उसमें से हम बेल्ट निकालेंगे, तो ये भी हमारा वेस्ट नहीं जाएगा। तो हमने जो है कटिंग कर ली है इसकी। और अभी हमें जो हमारा एज है ऊपर, जो हमारा त्रिकोण बन रहा है, वहां पे मैंने 3.5 इंचेस पे मार्क लगाया है और उसे स्ट्रेट करते हुए मैंने 2 इंच की लगभग कटिंग की है। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। हमें इसी तरह उसके कॉर्नर से मार्क लगा लेना है 3.5 इंचेस पे और जहाँ पे हमारा 2 इंचेस आया है वहाँ पे लाइन ड्रॉ करके इसे कट कर देना है और इसे जब हम सिलाई लगाएंगे तब हम इसे सिलेंगे। तो हमें ये सारे पीसेस का हमें मार्क लगा लेना है। अब हम बेल्ट कट करेंगे। जैसा मैंने आपको मेजरमेंट बताया है, मैं 22 इंचेस की बेल्ट कट करूंगी क्योंकि मुझे ये 21 इंचेस रेडी रखनी है। तो हम एक पीस को अलग करके हम एक पीस में से हमारी बेल्ट निकाल लेंगे। तो इसकी विड्थ जो मैं 5 इंच की कट कर रही हूँ क्योंकि मुझे 2 इंच ही रेडी करनी है, मैं इसे डबल फोल्ड करके लगाऊंगी बेल्ट को। तो इसी तरह हमें मार्क लगाते हुए हमारी बेल्ट को कट कर लेना है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल में और आप पहली बार मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, तो प्लीज पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है, जो बहुत ही कम टाइम में हो जाती है कटिंग। अब हम इसे सिलना शुरू करेंगे। तो ये है हमारी बेल्ट है जो हमें एक साइड पे रख देते हैं अभी। और इसमें से हमने जो हमारी सलवार है उसमें से हमें एक पार्ट को निकाल लेना है। तो ये हमारी एक तरफ की साइड है, तो मैंने एक निकाल ली है।
तो सबसे पहले जो है हमें इसकी सेंटर की सिलाई लगाएंगे। तो हमने मूरी का मार्क लगा लेना है जो हमने 6 इंचेस रेडी रखनी है, और जितना हमें सिलाई में देना है उतना हमें टॉप तक सिलाई लगानी है जहाँ तक हमारा आसन है। तो सबसे पहले हमें सिलाई को सिक्योर करते हुए इसे सिलाई लगा लेंगे। मैंने और भी डिज़ाइन और भी वीडियोस शेयर किए हैं, आप मेरे चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। तो मैंने सिलाई लगा ली है, और जो हमने 2 इंच का कट लगाया था एक साइड पे, अब हम उसे भी सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। हमें इसे भी सिक्योर करके सिलाई लगानी है दोनों तरफ से। और अब हम इसकी मूरी को भी रेडी कर लेंगे। इसी तरह हमें दोनों जो हमारी दोनों सलवार की साइड्स हैं उसे इसी तरह से पहले रेडी कर लेना है। आपको इसी तरह से फोल्ड करना है। और जो इसका एजेस, वैसे ही हमें त्रिकोण शेप की हमारी बॉटम में मूरी पे आएगा, तो हमें उसी तरह से अच्छे से बिना स्ट्रेच किए हुए इसे सिलाई लगा के हमारी मूरी को तैयार कर लेना है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसमें सलवार के पोंचों की तरह आपको ये धोती सलवार का ट्यूटोरियल बताऊं, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, तो मैं आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करूंगी। तो इसी तरह हमें फोल्ड करते हुए हमारी मूरी को भी रेडी कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ये इसी तरह से ट्रायंगल सा बन जाएगा एक साइड पे, जो साइड में दिखेगा, और ये एग्जैक्ट यही शेप में आएगा। तो अभी हमें इस तरह से हम इसमें चुनटे डालेंगे। हमें ये ध्यान रखना है जहां पे हमारी सिलाई है, हमारे जो बल है चुनटे हैं वो उसी की तरफ उसका साइड होनी चाहिए हमारे चुनटों की। तो मैं आपको पहले एक साइड पे बना के बताऊंगी। मैं 21 इंचेस बेल्ट रेडी है मेरी, तो मैं ये जो एक साइड के बल हैं चुनते हैं वो मैं 10.5 इंचेस पे ही हमारी ख़त्म होनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक मार्क 1 इंच पे लगाया है और एक 3.5 इंचेस पे लगाया है। तो हमें 3.5 इंच वाले मार्क को 1 इंच के ऊपर रखना है, जैसा मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। और इसी तरह हमें एंड तक मार्क लगा लेने हैं, एक 1 इंच पे, एक 3.5 इंच पे। इसी तरह हमें मार्क लगाते हुए पूरे एंड तक मार्क लगाने हैं, और इसी मार्क के अकॉर्डिंग हमें इसे फोल्ड करना है। हमें 3.5 इंच वाले मार्क को उठाना है और जो हमने 1 इंच वाला मार्क लगाया था उसके ऊपर प्लेस करना है। इससे हमारे बल जो है एग्जैक्ट सेम आएंगे। अगर आपकी बेल्ट का साइज भी 21 इंचेस है तो आप सेम मेजरमेंट से बना सकते हैं। ये जो फैब्रिक की विड्थ मैंने कटिंग की है, ये 42 इंचेस विड्थ वाला फैब्रिक था, तो आपके भी बिल्कुल सही आएंगे अगर वही विड्थ वाला फैब्रिक आप यूज कर रहे हैं तो। और अगर आपकी बेल्ट कम से ज्यादा है तो आप उसके अकॉर्डिंग इसका मार्जिन कम कर दें। तो मैंने एंड तक एक साइड के बल लगा लिए हैं, तो आप देखें हमारे एग्जैक्ट सेम कितने अच्छे प्रॉपर बल आए हैं। अब इसी तरह हमें दूसरी साइड भी चुनटे डालेंगे। तो मैं आपको मेजर करके बता रही हूँ, तो हमारा 10.5 इंचेस पे ही आया है, जो बिल्कुल सही आया है। आप भी इसी तरह से डाल सकते हैं। अब हम इसकी दूसरी तरफ डालेंगे। तो पहले हम मार्किंग कर लेंगे, वैसे ही 1 इंच पे मार्क लगाना है, फिर 3.5 इंच पे मार्क लगाना है, और ये मार्क हमें इसी तरह 1 इंच 3.5 इंच करके एंड तक लगा लेने हैं। पहले ही आप ये मार्क कटिंग के टाइम भी लगा सकते हैं। मैंने सारे मार्क जो है लगा लिए हैं इसी तरह से, और जो हमारी सिलाई है अब हम उसी की तरफ इसका इस वाले चुनटों का फेस करेंगे। तो हमें वैसे ही 3.5 इंच वाले मार्क को 1 इंच वाले मार्क के ऊपर रखना है। और अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कुछ पूछना है, अगर कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और सेम इसी तरह हमें एंड तक इसको भी रेडी कर लेना है चुनटे डाल के।
तो ये हमने एक साइड पे चुनते डाल ली हैं, जो बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से रेडी हुई है हमारी। ये कुछ इस तरह से लगेंगी। अब हम इसी तरह से दूसरे पीस को भी रेडी कर लेंगे। जैसे मैंने आपको ये बताया था, मैंने दोनों पीसेस जो हैं रेडी कर लिए हैं। और अब हम सबसे पहले हम इसका क्रोच एरिया ज्वाइन करेंगे। मेरे दोनों पीसेस को सीधा रखा हुआ है अभी इस टाइम, तो आपको भी अपनी जो धोती सलवार के दोनों लेग वाले पीसेस हैं उनको सीधा कर लेना है। और हमें आसन की सिलाई मिलाते हुए, ये हमारी सिलाई एक सेम ही जगह से शुरू होनी चाहिए, तो हमें उसे मैच करते हुए सिलाई लगाना शुरू कर देना है। जो मैंने दोनों पीसेस जो सीधे किए रखे हुए हैं, और अब हम इसके आसन ज्वाइन कर रहे हैं। और हमें इसी तरह से एंड तक सिलाई लगानी है। और मैं इस सिलाई को डबल करूंगी, तो मैं एक और सिलाई लगा रही हूं अभी। तो हमने सलवार के आसन को भी ज्वाइन कर लिया है। और अभी हम इसकी बेल्ट को रेडी करेंगे। तो हमें बेल्ट के दोनों साइड सिलाई लगा के इसे सिल लेना है। हमारी बेल्ट रेडी हो गई है। तो मैंने इसके सेंटर में कट भी लगाए थे, तो इस तरह से हमें इसे अटैच करना है। अभी मैंने जो सलवार को उल्टा किया हुआ है, और हमने बेल्ट को भी उल्टा रखा है, उल्टी साइड हमारी तरफ शो हो रही है बेल्ट की, क्योंकि हमें इसे डबल करके लगाऊंगी इस बेल्ट को। तो मैं इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग सिलाई लगा सकते हैं बेल्ट की, जैसे आप चाहें। और जिस तरह अब हमारी सिलाई आ रही है, जो हमारी सिलाई थी और हमारा कट था, वो सेम आने चाहिए, हमारी बेल्ट हिलनी नहीं चाहिए। मैंने पहले सर्कुलर प्लाजो की वीडियो भी शेयर की हुई है, आप वो भी देख सकते हैं मेरे चैनल में जाके। तो हमने सिलाई लगा ली है, और अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए सीधी साइड हमें बेल्ट को टर्न करना है। और अब हम इसे सिलाई लगा के दबाते जाएंगे, जिससे इस सिलाई से ये फायदा है कि हमारे जो बल वाली सिलाई है वो गुम हो जाएगी, जो कि दिखेगी नहीं, और हमारी जो है धोती सलवार की बहुत ही क्लीन लुक आएगी। तो एंड तक हमने सिलाई लगा लिया, और मैंने थोड़ी जगह छोड़ी है जहाँ से हम इलास्टिक लगाएंगे। मैंने 12 इंचेस इलास्टिक कट किया है जो डबल है, और 1 इंच मैंने इसकी विड्थ कट की है। तो अब हम पहले इसमें इलास्टिक डालेंगे। मैंने इलास्टिक डाल लिया है, और अब हम इसे सिलाई लगा के सिक्योर कर लेंगे। आपको इसे बहुत ही अच्छे से सिलाई लगानी है, जिससे ये उधड़े नहीं। तो हमारी सिलाइयाँ लग चुकी हैं, और अब हम जो जगह छोड़ी थी हमने इलास्टिक डालने के लिए, उस जगह पे भी सिलाई लगा के इसे बंद कर लेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बहुत सी वीडियो में बताया है, इस सिलाई को लगाने के बाद हमें अच्छे से इसे स्ट्रेच करना है, जिससे इलास्टिक सेट हो जाए प्रॉपरली। और अब हम इस पे इलास्टिक के ऊपर सेंटर में सिलाई लगाएंगे। इसके लिए मैं मिनी मशीन का जो है बड़ा टंका कर लिया है, जितना आपकी मशीन का बड़ा टंका हो सकता है। इसी तरह आपको स्ट्रेच करके थोड़ी थोड़ी जगह से सिलाई लगा लेनी है ऑल अराउंड में इसे। तो हमारी धोती सलवार रेडी हो चुकी है। तो ये है इसकी फाइनल लुक। आई होप आपको ये वीडियो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब हम मिलेंगे नई वीडियो में नई ट्यूटोरियल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।